नमस्कार, जय हिंद। जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो आप इस बैनर के ऊपर जो कंटेंट लिखा है इसको आप एक बार सही से देख लीजिएगा और मेरी बातों को सही से सुन लेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप ये देखिए कि कोचिंग सेंटर या एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, क्या आपको उस एकेडमी से उम्मीद है, क्या वो आपके बच्चे को भर्ती करवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी चीजें किस तरीके से छानबीन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आप इस चीज से समझ गए होंगे कि आज मैं कोचिंग सेंटर और एकेडमी जो भी है उनके बारे में, उनके पहलुओं के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हैं ताकि आपका कोई भी पैसा खराब ना जाए और आपके बच्चे का समय खराब ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि जो बच्चे को डिफेंस में भर्ती करवाते हैं या फिर पुलिस या पैरामिलिट्री में भर्ती करवाते हैं वो क्या ओनली फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर लेकर के खोल करके घूम रहे, अनट्रेंड अनक्वालिफाइड जो इंस्ट्रक्टर या टीचर है वो घूम रहे मार्केट में और वो आपके बच्चे के करियर के साथ आपको वो क्लियर कट बताएंगे कि मैं आपको क्या करवाऊंगा, भर्ती करवाऊंगा और आपके बच्चे के भर्ती के नाम पे आपसे पैसा ले लेंगे और वो आपके बच्चे को क्या करवाएंगे, फिजिकल करवाना शुरू करवा देंगे। जब बाद में उस बच्चे का रिटर्न का पहलू आएगा तो वो बोलेंगे कि मैंने तो इसके बारे में बोला ही नहीं था, जबकि एडमिशन के टाइम में जब वो पैसे ले रहे होंगे तो आपको वो क्या बोल रहे होंगे कि मैं आपके बच्चे को भर्ती करवाऊंगा। तो ओनली फिजिकल करवाने वाली एकेडमी है वो आपके बच्चे के साथ भर्ती के नाम पे धोखा कर सकते हैं क्योंकि ओनली फिजिकल से आपका बच्चा भर्ती नहीं हो सकता। तो बच्चे भी ध्यान रखें कि अगर आपको भर्ती होना है तो कोई भी ओनली फिजिकल वाला व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि मैं आपको भर्ती करवाऊंगा तो आपको उससे वो बात करनी है जो मैं आपको चौथे पेज में बताऊं। दूसरे नंबर पे मार्केट में कैसे लोग चल रहे हैं जो इस तरीके का, जो ओनली रिटर्न क्लासेस के बेस पे आपको भर्ती के नाम पे पैसे लेते हैं कि ये भी क्या करवाएंगे, भर्ती करवाएंगे और ये भी आपसे बोलेंगे कि 100% गारंटी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जितने भी तमाम भर्तियां चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, सब में क्या बोलेंगे कि हम आपको भर्ती करवाएंगे और आपको भर्ती करवा करके आपके बच्चे का करियर बनाएंगे। फाइनली आपका बच्चा वहां से आउट होगा और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज बोल देंगे कि आपका कोर्स खत्म हो गया, जबकि आपसे पैसा लेते समय उन्होंने क्या गारंटी किया था कि मैं आपके बच्चे को 100% भर्ती करवाऊंगा। तो इसके अंदर जब आपको 100% भर्ती कराने के लिए या ओनली फिजिकल वाला अकेडमी या ओनली रिटर्न वाला, तो आपने उनसे कोई लिखित में प्रमाण पत्र लिया था जिसके बिहाफ पे अब आपके साथ जो वो चीट कर रहे हैं आप उनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं, नहीं लिया होगा और ना ही वो देंगे। अगर आप उनसे डीपली बात करेंगे कि क्या आप मेरे बच्चे को भर्ती करवा देंगे, तो आपके पास ऐसा क्या प्रोसेस है, आपके पास कैसी टीम है, आपने इससे पहले कितने बच्चों का करियर बना चुके हैं, आपका भर्ती कराने का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ओनली फिजिकल या जो ओनली रिटर्न वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं भर्ती करवाऊंगा उससे आप भर्ती का प्रोसेस पूछना और अगर वो उसमें से एक दो पे काम कर रहा है तो बाकी का उससे पूछना कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है। अब मैं फाइनली आपको बताता हूं कि भर्ती का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कौन सी अकेडमी, चाहे वो मेरी अकेडमी हो, चाहे इंडिया या दिल्ली के अंदर कोई और भी अकेडमी हो जो इस प्रोसेस में काम करती हो, जो पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन के साथ साथ इस प्रोसेस को भी फॉलो करती हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यह है सिलेक्शन प्रोसेस। आप इसके अंदर देखेंगे कि कोई भी भर्ती होना चाहता है बच्चा यहां से उठता है, अपने घर से उठता है और उठने के बाद जब वो बच्चा यहां पे फाइनली एक्शन लेता है कि मेरे को भर्ती होना है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ मेरे को बच्चे को भर्ती करवाना है, अपनी मेहनत की इनकम को जोड़ते हैं, तो आप सबसे पहले ये जो स्टेप है ना, स्टेप वन, इससे भी पहले एक जीरो लेवल पे स्टेप स्टार्ट होता है जो बच्चे का हाइट, वेट, एज, एजुकेशन, ये सारी चीजों को चेक करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये बच्चा भर्ती के लिए इलिजिबल है या नहीं। अगर कोई विदाउट चेकिंग, विदाउट एक्सरा या विदाउट ब्लड टेस्ट के ही कोई अगर इलाज करना शुरू कर देगा, जब वो बीमारी को उसने चेक ही नहीं किया तो वो इलाज कैसे करेगा, वो दवा कौन सी चलाएगा। सेम उसी तरीके से जब बच्चा इलिजिबल है ही नहीं तो वो भर्ती के लिए कैसे उसको पढ़ाने लग गया या भर्ती के लिए कैसे दौड़ाने लग गया। अब यहां पे आप देखिए कि भर्ती प्रोसेस में रिटर्न है, रिटर्न क्वालिफाई करेगा तो उसको कहां जाना पड़ेगा, फिजिकल में, फिजिकल क्वालिफाई करेगा तो मेडिकल, मेडिकल क्वालिफाई करेगा तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई करेगा तो वेरिफिकेशन, उसके बाद री मेडिकल डिस्पैच आउट और उसके बाद जाकर के कहीं लड़का सिलेक्ट होता है। अब अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है और इसके अंदर वो 6 महीना 8 महीना लगा देता है और ये पास हो जाता है, इसमें से पास हो गया
पास होने के बाद जब बच्चे के पास फिजिकल का टाइम आता है तो उसके पास बचता है कितना, 16 डेज या 30 दिन। तो क्या 30 दिन के अंदर इस बच्चे का कोई फिजिकल पास करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चे का अगर वो करियर बनाना चाहते हैं, भर्ती करवाना चाहते हैं, तो ना तो आप ओनली रिटर्न वाले के ऊपर फोकस करो, ना आप ओनली फिजिकल वाले के फोकस करो। आप उन अकेडमियों में जाकर के अपने बच्चे का करियर देखिए जिसके अंदर आपके बच्चे को भर्ती करवाने के लिए ये सारे स्टेपों पे एक साथ एक्शन ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा भर्ती नहीं हो पाएगा। तो मैं अपनी चार्ली एकेडमी के अंदर आपको अपना प्रोसेस बता देता हूं कि बच्चे का पूरा जीरो वेस्ट से उसका हाइट वेट एज मेजरमेंट करता हूं, उसके बाद उसको फिजिकल, उसके बाद उसको रिटर्न, उसके बाद उसको मेडिकल, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन करवा के क्या करवाता हूं, भर्ती करवाता हूं। तो जितने भी पेरेंट्स या जितने भी स्टूडेंट अपना करियर बनाने के लिए किसी एकेडमी में जाकर के वो अपना करियर बनाना चाहते हो, उन बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर भर्ती होना चाहते हो तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखना, और ध्यान रखने के बाद ही किसी एकेडमी को पैसा देना। जय हिंद।